नए साल की ढेरों सारी शुभकामनाओं के साथ मैं विशाल चौहान बिहार में आपका स्वागत करता हूं। और इस वक्त हम राजधानी पटना के राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय के बाहर हैं, जहां पे कि एक पोस्टर जारी किया गया है। आपको बता दें, सबसे पहले मैं आपको पोस्टर पर ले जाना चाहूँगा, जहाँ से इस नए साल में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है, जहाँ पर झूठ की टोकरी और घोटालों का धंधा दिखाया गया इस पोस्टर के बैनर के सहारे। तो आपको भी बताते चले, ठीक इससे कुछ दिन पहले भी आपको हमने रूबरू करवाया था कि जनता दल यूनाइटेड के भी प्रदेश कार्यालय के बाहर एक 15 साल का एक बैनर जारी किया गया था। उसी के बाद इस नए साल में इधर से जो एक पोस्टर जारी किया गया है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि ये पोस्टर यहाँ पे जारी करके तमाम चीज़ों को बताया गया है और सीधे तौर पे बीजेपी और जदयू पे अटैक किया गया। आपको सीधे कह दें कि NDA पे अटैक किया गया है। यहाँ पर एक और इस पोस्टर में जहाँ बिहार के जो उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को दिखाया गया और साथ ही साथ जो बिहार के जो मुखिया हैं, जो नीतीश कुमार है, उनको भी दर्शाया गया इस बैनर के फोटो के जरिए। तो मैं सीधे आपको यहाँ पे ले चलना चाहता हूँ, दिखाना चाहूँगा। और मैं शुरुआत आपको सबसे ऊपर से करूँगा, जहाँ पे दिखाया गया है झूठ की टोकरी घोटालों का धंधा नीति आयोग भारत सरकार द्वारा प्रमाणित। तो आपको बताते चले कि कुछ दिनों पहले ही नीति आयोग ने यहाँ से एक जारी किया था रिपोर्ट, जहाँ कि बिहार को पिछड़ापन में रखा गया है, 16वें पायदान पे रखा गया है, उसी को यहाँ पे दिखाया गया इस बैनर के थ्रू। बताया गया है कि आखिर जो नीति आयोग ने जो भारत को पिछड़ेपन में, जो बिहार को जो पिछड़ेपन में जो दर्शाया है, जो अपनी रिपोर्ट में, हालिया के जो आई रिपोर्ट में जो उन्होंने बताया है कि जो बिहार की जो क्या कुछ स्थिति है, उसी को इस पोस्टर पर भी यहाँ पर बतलाने की कोशिश की गई है राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से। तो सीधे फिर से मैं आपको ले चलूँगा पोस्टर पर और दिखाना चाहूँगा कि नीति आयोग ने जो भारत सरकार द्वारा प्रमाणित किया गया है। और यहाँ पर एक और जहाँ की बिहार के जो डिप्टी CM है सुशील मोदी एक टोकरी लिए हुए हैं, वही दूसरी ओर जो है आपको जो नीतीश कुमार है, जो बिहार के मुखिया हैं, और वो भी एक टोकरी लिए हुए हैं। और जहाँ पे एक आप डिप्टी CM जो सुशील कुमार मोदी है, वो जुमलों की टोकरी है, और उसके ठीक बगल में जो है नीतीश कुमार की जो है वो झूठ की टोकरी है। तो मैं आपको सीधे दिखाना चाहूँगा, जो आपको जुमलों की टोकरी के ऊपर जो दिखाया गया है, वहाँ पर गन रखा गया है। क्योंकि मतलब जितने भी अभी जिस तरह का जो चल रहे हैं हालात, जो अभी बिहार में जो अपराध बढ़ रहे हैं, उन चीज़ों पर भी दर्शाया गया है इस पोस्टर के जरिए। ऊपर से राम मंदिर, 15 लाख काला धन, 2 करोड़ नौकरी, GST, धन नोटबंदी, तमाम चीज़ों को इस टोकरी में रख के बताया गया है। और जुमले की टोकरी इसमें कहा गया है, इस टोकरी को जो है वो जो बिहार के जो अभी वर्तमान जो डिप्टी CM है, वो इस टोकरी को उठाए हुए हैं, और उनके जो सर पर है वो जो टोकरी में जो जो चीज़ रखी गई है, जो जो इन लोगों के जो वायदे किए थे, और जो बिहार में जो इस समय जो जो घटनाएँ घटी हैं, तमाम चीज़ों को दिखाया गया है। तो आप यहाँ पे देखें, और ठीक उसके बगल पे जो हमारे बिहार के मुखिया हैं नीतीश कुमार, भी एक टोकरी लिए हुए हैं। उस टोकरी में यहाँ पे जो है आपको दिखाया गया तरक्की, छात्रवृत्ति, रोजगार, सुरक्षा, भरोसा और तमाम चीज़ों, नौकरी, नल का जल, तमाम चीज़ों। साथ ही साथ एक सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूँ कि जो नीतीश कुमार के जो कंधों में टंगी हुई है वो CM चेयर है। तो आपको बताते चले कि हमें शुरू से ही राष्ट्रीय जनता दल ये प्रहार करती आई है कि ये नीतीश कुमार नहीं, कुर्सी कुमार है। तो यहाँ भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस पोस्टर के जरिए। उन्होंने यहाँ भी फिर से कह दिया है कि आखिर ये जो कुर्सी कुमार है वो बिल्कुल सही है, और इनके कंधों पे जो है वो कुर्सी को टांग दिया गया है और जनादेश है। उसके बाद तमाम चीज़ों को यहाँ भी बताया गया है। हम नीचे अगर बात करते हैं, ठीक नीतीश कुमार जी के बगल के जो पोस्टर के बगल में जो दिखाया गया है, सृजन चोर, गिट्टी चोर, महंगाई, बाढ़, अपराध, बलात्कार, हत्या, तमाम चीज़ों जो जो बिहार में जो अभी घटनाएँ घट रही है वहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। और ठीक उसके बगल में हम आते हैं जहाँ पर जुमलों की टोकरी जो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अपने सर पर लिए हुए हैं, उसके ठीक अगर हम बगल में आते हैं तो घुसखोर, मकारी, सीनाजोरी, राफेल, शराब माफिया, सूखा, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था, नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय मल्ल्या। आपको भी बता दें जो अभी जो वर्तमान जो हमारी सरकार है भारत में, बीजेपी की जो सरकार है, उस दौरान जो यहाँ के जो उद्योगपति थे और जो भारत से भागने में जो सफल हुए, तो कहीं ना कहीं ये भी निशाना साधते हुए जो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बताया गया कि इनको जो भगाने में कहीं ना कहीं देश का जो हाथ है और जो वर्तमान सरकार है उनका हाथ है। तो इनको सबसे पहले मैं आपको नाम लेना चाहूँगा ऊपर में, नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय मल्ल्या, जो 3 उद्योगपति है जो बैंकों का जो पैसा लेकर भागे हैं, वो भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। और साथ ही साथ भ्रष्टाचार और जो राफेल घोटाला का जो बात आ रही थी सामने, वो भी दिखाने गया है और दिखाया गया, और घोटाले को भी दिखाया गया, और तमाम चीज़ें इस पोस्टर और बैनर के जरिए इस नए साल में रखा गया है। अपनी तमाम चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। आखिर राष्ट्रीय जनता दल के लगाए इस पोस्टर और किए गए जो बैनर पर, जो जारी किया गया बैनर, इस पर क्या कुछ कहना है जदयू का, आइए सुनते हैं। देखिए, राजद को कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस तरह के सवालों के जरिए वो
अपनी नींव खुद कमजोर कर रहे हैं। अगर कोई दल खुद ही अगर आत्महत्या करना चाहे, आत्मघाती कदम उठाना चाहे, तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए जब दो शासन के मॉडल्स की चर्चा होगी तो नीतीश कुमार जी का मॉडल सर्वश्रेष्ठ है, न केवल राजद के मुकाबले, देश के सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। और जो कुछ इस राज्य में 15 वर्षों में हुआ है, इसकी तुलना तो देश के दूसरे राज्य नहीं कर पा रहे हैं। तो राजद का 15 वर्षों का जो वो कार्यकाल है, जिसकी पहचान सामूहिक नरसंहार थे, जहाँ जातीय हिंसा हो रही थी, जिस तरह से फिरौती के लिए अपहरण होते थे, उस मॉडल को कहीं से भी बेहतर बताए जाने की कोशिश जब भी राजद करेगी, उनका पतन होना तय है। इसीलिए मुझे नहीं लगता ऐसे मुकाबले से उनको कुछ हासिल होगा। तो राष्ट्रीय जनता दल की जारी किए पोस्टर पर आखिर राजीव रंजन जी ने क्या कुछ तंच प्रतिक्रिया दी, आपने सुना। तो ऐसे ही प्यार हमें बरसाते रहें और देखते रहें हमारे चैनल को। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें, और हमारे जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि तमाम जो घटनाएं हैं, जो खबरें हैं, वो आप तक पहुँचती रहे, और ऐसे ही हमें प्यार आप देते रहें। तो ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट। कैमरा पर्सन समीम के साथ मैं विशाल चौहान, बिहार न्यूज़, पटना।